पूरी टीम थोड़ी जल्दबाजी कीजिए, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, अभी भी और 6 सामने खिलाने बाकी है। केशव थोड़ी सी स्पीड, बॉलर नीतीश अपने बॉलिंग रन अप पर तैयार, दिनेश बैटिंग मार्क पर। पहली गेंद टॉप एज थर्ड मैन की रीजन में जाती हुई 1 रन। तुषार दादा से विनती है कि वो टॉस के लिए आए। अगला मुकाबला जानता राज बदलापुर नी धागाओ। अगली गेंद लेकर नीतीश, बारिश का भी आती हुई अक्षय स्ट्राइक पर, और शॉट गन थी अनइवन बाउंस, खेल दिया है, पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन की रीजन में, 1 रनों के साथ संतुष्ट। टॉस होता हुआ अगली मैच का, धागा वन द टॉस। थैंक यू तुषार दादा। अगली गेंद लेकर नितेश अपने बॉलिंग रन अप पर, नितेश तू दिनेश, दिनेश एक जाने माने बल्लेबाज है, देखते हैं वो अपनी टीम के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं। 2 बॉल 2 रन। अगली गेंद लेकर नीतीश बॉलिंग रन अप पर, दिनेश तैयार, नीतीश तैयार। अगली गेंद शॉट, फिर से पुल करने की कोशिश, पुल बट अनसक्सेसफुल, कोई बैट और बॉल का संपर्क नहीं, बारिश की वजह से बॉल स्किड होकर बैट्समैन की तरफ तेजी से आई। गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए बैट्समैन को कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। दिनेश और अक्षय अपने अपने स्ट्राइकिंग एंड पे, नितेश थोड़ा सा बॉल सुखाते हुए अगली गेंद लेकर नितेश अपने बॉलिंग रन अप पर, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद के लिए नितेश तैयार। शॉर्ट बॉल स्क्वायर कट, गुड शॉट बाय दिनेश, जैसे कि कहा गया था दिनेश और अक्षय बड़े बड़े शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। स्क्वायर कट पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। अगली गेंद लेकर नितेश तैयार, 4 बॉल 8 रनों के साथ, दिनेश स्ट्राइक पर। नितेश टू दिनेश अगली गेंद, फिर से शॉट थी, थोड़ी सी आनी वन बाउंस, खेलना चाहते थे मिड ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई तेजी के साथ फिल्टर आते हुए 2 रनों की कोशिश और 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट अक्षय और दिनेश के बीच में, बढ़िया बैटिंग और बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया फील्डिंग। पांच बॉल 10 रन। अगली गेंद नीतीश टू दिनेश, ओवर पिच डिलीवरी वैक्सीड अवे, गुड शॉट बाय दिनेश, दैट्स अ बिग हिट बाय दिनेश, कोई मौका नहीं बॉलर के पास। 1 ओवर के खेल के बाद 16 रन जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो लेकर चलते हुए दिनेश और अक्षय। अंपायर प्लीज, कोई टीम मीटिंग नहीं होगी। केशव कैप्टन और वाइस कैप्टन मिलकर डिसाइड करें कौन गेंदबाजी करेगा, पूरे टीम को जमा होने की कोई जरूरत नहीं। अगला बॉलर रमेश, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि पहली जो ओवर बड़ी आई थी उनका वो भुगतान करे, कि दूसरी ओवर वो छोटी डाल कर जाए ताकि टीम
आखिरी गेंद आखिरी बॉलर के पास, खाते में बहुत सारे रन रहे, लेकिन उतने उनके सामने है दिनेश रक्षे जो बहुत बड़े बड़े शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। अक्षय एक लंबे बैट्समैन, अगला गेंद लेकर रमेश टू अक्षय, शॉर्ट बॉल थी, फिर से नीचे रही, पुल करने की कोशिश अनसक्सेसफुल, एक रन तेजी के साथ, दूसरे रन की कोशिश थी लेकिन नकारते हुए अक्षय, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली गेंद लेकर रमेश अपने बॉलिंग स्ट्राइक पर, जिस बल्लेबाज ने पिछले ओवर में दो बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, दूसरा लॉन्ग ऑन पर, वही बैट्समैन स्ट्राइक पर आते हुए दिनेश। अगली गेंद रमेश की, शॉर्ट बॉल थी, काफी तेजी से निकल गई, देखना होगा अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, वाइड प्लस वन के रूप में दो रन आते हुए कानो टीम के लिए, बॉलरों के लिए काफी फायदा बारिश की वजह से। गेंद स्किप करती है बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन को भी चाहिए कि वो सिर्फ टाइम करे, जोर से मारने की कोई जरूरत नहीं। अगली गेंद लेकर रमेश अपने बॉलिंग रिदम पर, अभिषेक भाई स्टेज की तरफ आते हुए उनका हार्दिक स्वागत, कृपया स्टेज पर आए। शॉर्ट गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश थी, बट घा आउटफुल स्लो होने की वजह से एक ही रन मिलेगा। अगली गेंद लेकर रमेश तैयार, स्ट्राइक पर दिनेश, अगली गेंद, शॉर्ट बॉल सर के ऊपर से, देखना होगा अंपायर का इशारा, स्मेलिंग डिलीवरी, बैट्समैन को बॉल की खुशबू सुंघाते हुए बॉलर, बैट्समैन को नींद से उठाते हुए बॉलर, अच्छी डिलीवरी थी, दिनेश के पास कोई मौका नहीं पुल करने का। अगला बॉल रमेश का, ट्रू दिनेश, फुल टॉस मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर के हाथों में कैच छूटता हुआ, जो गलतियां कानो टीम ने की थी वही गलतियां पूरी भी दोहराते हुए, कैच की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है इन्हें। दिनेश जो इनफॉर्म बैट्समैन है, जिन्हें दो बड़े बड़े शॉट लगाए थे 6 रनों के लिए, उनका ही कैच, इजी कैच हाथ से छूटता हुआ, पूरी टीम को चाहिए कि वो कैच पकड़े अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो। चार गेंदों के खेल के अंतर 22 रन। ओहो, ब्लॉक होल की डिलीवरी थी, अपने आप से नाराज है, ओवर पिच की डिलीवरी थी, ब्लॉक करके ले लिया खुद को। अभी 7 गेंदों में 26 रनों की जरूरत कानो टीम को, देखा जाए तो ये लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं है, जैसा कि कल के बदलापुर मिजिया और मानकुली के बीच में देखा गया था, 6 गेंदों में 29 रन, बॉलर थे अनस, बैट्समैन पंकज बोले, 4 बड़े बड़े शॉट और मैच खत्म, 5 ही गेंदों में 29 रन। अगली गेंद लेकर रमेश टू दिनेश, शॉर्ट बॉल, फिर से पुल करने की कोशिश, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था रमेश ने, बढ़िया ओवर, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, पूरी टीम फिर से गेम में वापस आती हुई। पहले दिन हमने देखा था किस तरह भिन्नरपाड़ा ने 6 बॉल में 4 रनों की मैच बचाई थी, अगले दिन वो कारनामा नहीं हो पाया, 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी मानकिली को। स्ट्राइक पर पंकज बोले थे, जिन्होंने अनस को, अनस गोरे 4 बड़े बड़े शॉट्स मारकर मैच खत्म कर दी, अनस गोरे इस बॉलर को। अगली ओवर लेके कैप्टन खुद बॉलिंग मार्क पर, केशव एक अच्छे बैट्समैन और बॉलर है, एक अच्छे ऑलराउंडर है अपने टीम के, उनके सामने भी
दो ऑलराउंडर है बैटिंग क्रीज पर, एक अक्षय और एक दिनेश। दिनेश जो कि इनफॉर्म है लेकिन पिछली ओवर में कुछ बड़े शॉट्स लगा नहीं पाए, फुल टॉस बॉल का भी फायदा नहीं उठा पाया। केशव तैयार, पहली गेंद अक्षय के लिए, फ्लिक ऑफ डिरिस, देखना होगा क्या होता है, और फील्डर नीचे, अच्छी कैच, गुड कैच, पहली गेंद पर बड़ी विकेट अक्षय के रूप में मिड विकेट रीजन में। पांच गेंदे हुए, 26 गेंदों की जरूरत, 26 रनों की जरूरत। देखते हैं क्या केशव अनस गोरे बन पाते हैं या दिनेश पंकज भोले बन पाते हैं। केशव अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, दिनेश बैटिंग मार्क पर, पांच गेंदों में 26 रनों की जरूरत। शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, अनसक्सेसफुल, स्क्वायर लेग रीजन में, कीपर खुद बॉल के पीछे भागते हुए, एक रन की कोशिश, दूसरा रन, तेजी से दो रन होते हुए, दो रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा कानोर टीम को। कानोर टीम धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ती हुई, उन्हें चाहिए कि लंबे शॉट्स लगाए ताकि वो मैच में बने रहे। अभी भी चार गेंदे बाकी और 24 रनों की जरूरत, चार गेंदे, चार छह, मैच में रोमांच, अगर 2-6 यहां पर कंटिन्यू लगते हैं तो मैच में रोमांच बरकरार रहेगा। केशव तैयार, दिनेश तैयार, अगली गेंद लेकर केशव, क्या बॉल पर बड़ा हिट मार पाएंगे दिनेश, ओ डिलीवरी, गुड शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा छे अक्षय की बैट से, अगर यहाँ पर और एक छे आता है तो बॉलर बेशक अंडर प्रेशर हो जाएगा। अक्षय को चाहिए कि और एक शॉट कन्वर्ट करे, बॉलर अंडर प्रेशर होने के बाद कहीं भी डाल सकता है, जैसे कि कल अनस गोरे ने की थी, अंडर प्रेशर होने के बाद कुछ समझ नहीं आया, सब गेंदे बैट के नीचे और चार बड़े छक्कों के साथ मैच खत्म कर दिया पंकज भोले ने। केशव तैयार, दिनेश के लिए अगली गेंद, शॉर्ट बॉल कट करने की कोशिश, चांस ही नहीं अक्षय के पास, एक रनों के साथ संतुष्ट। और इसी के साथ पूरी टीम पूरी तरह मैच में, सिर्फ कोई करिश्मा ही कानो टीम को यह जिता सकता है, देखना होगा वो करिश्मा हो पाता है या नहीं। जिस तरीके से कल अनस गोरे के साथ करिश्मा हुआ था, केशव तैयार, वैभव तैयार, वैभव भी बड़े शॉट्स मारने जाने जाते लेकिन देरी कर दी जनाब आते आते, और स्लोवर डिलीवरी होती थी, वाइट बॉल अंपायर द्वारा, वाइट गेंद, दो बॉल में 16 रनों की जरूरत। केशव फुल टॉस बॉल मारने की कोशिश, फील्डर के हाथों में कोई मौका नहीं कानूर टीम के बल्लेबाजों को, फुल टॉस बॉल भी वो बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचा पाए, उन्हें चाहिए कि वो थोड़ी और प्रैक्टिस करें। लास्ट बॉल, एक बॉल में 16 रनों की जरूरत। और इसी के साथ पूरी टीम ने मुकाबला जीत लिया है यहां पर, इस मैच का मैन ऑफ द मैच महेश, जिन्होंने धुआंधार पाली खेलकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया। उनके पास गेंदबाजों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर उनकी टीम को जीत दिलाई। महेश अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए स्टेज पर आए और उन्हें यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड महेश प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ले जाए। महेश को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए हम अमन सिंह से
से गुजारिश करते हैं कि वो अपने हाथों महेश को मैन ऑफ द मैच का मेडल दे। वेल प्लेड महेश। वेरी वेल प्लेड महेश, काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी, एक कैच का फायदा उठा, थैंक यू अमन सिंह। अगली मैच लेकर बदलापुर गांव विपक्ष दागांव। बदलापुर गांव एक बड़ी अच्छी टीम है, उसके अगेंस्ट होंगे दागांव। बदलापुर गांव प्लीज अपने बैट्समैन भेजे, दागांव जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए। हरेश अपने फील्डर्स को अपने पोजिशन पर भेजे और अपने बॉलर को अपने बॉलिंग रन अप पर।